के मैं पड़ने मरने गोली मार दूंगा। रुक जा वरना ये लड़की जान से जाएगी। जाने दे। मैं आखिरी बार कहता हूँ। मैंने पहली बार ही सुन लिया था। रुक जाओ वरना मार देगा। तेरे चेहरे पे मुझे मौत दिखाई दे रही है। हाथ क्यों कांप रहे हैं? हथियार दिखाने से कुछ नहीं होगा। तेरे पास सिर्फ तीन रास्ते हैं। पहला, तू लड़की को गोली मार दे, मैं तुझे गोली मार दूंगा। दूसरा, तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू वैसे ही मर जाएगा। तीसरा, तू यहां से नीचे छलांग मार दे, ज्यादा से ज्यादा तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। यहां तो ये कर दे। बाबा कुड़कुंबा। तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? ये आपके सीनियर ऑफिसर है अर्जुन सिंह। सर, तुम तो उसे पकड़ चुके थे, पता है वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। मैं भी यही चाहता था कि वो जिंदगी भर याद रखे कि जुर्म करने का अंजाम क्या होता है। दिस इज नॉट द वे, ये तरीका गलत है। भाई मेरा तो यही तरीका है, मैं शहर में चोर पुलिस का खेल खेलने नहीं आया। जुर्म वो बीमारी है जिसका इलाज मैं। कल का छोकरा पता नहीं अपने को क्या समझता है, खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। पागल है पागल। मैं पागल हो जाऊंगी निशा? किसी हीरो ने किसी फिल्म में अपनी हीरोइन को भी ऐसे नहीं बचाया होगा जैसे उसने मुझे बचाया। ओके बाबा, ओके। He's too much. He's my hero. बड़ा अपने आप को हीरो समझता है। पुलिस में सिर्फ दलेरी से काम नहीं चलता, अक्ल की भी जरूरत पड़ती है। अयो रब्बा, क्या उसमें जरा सी भी अक्ल नहीं है? मेरी अक्ल तो फेल हो गई निशा। He's so handsome. He's so cool. He is Superman. You're too much यार। मैंने सोचा था रिटायरमेंट में कुछ साल बाकी हैं, आराम से कट जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि रिटायरमेंट तक। मैम कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी ना है भाई। अरे बहुत मुश्किल है उसके साथ काम करना, मैं तो फंस गया। फंस तो मैं गई हूँ यार। ओ निशा, he is my dream man, he is my hero. तुझे पता है जब उसने मेरा हाथ पकड़ा ना तो मेरे पूरे जिस्म में बिजली दौड़ गई, ऊपर नीचे आगे पीछे। खुद के तो कोई आगे पीछे है नहीं, मगर दूसरों के तो बीवी बच्चे हैं। खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मरवाएगा। ए चुप करो यार। राहुल, ये पापा को क्या हो गया यार? आई थिंक इट्स प्रोफेशनल जेलेसी। हाँ रास्कल, लकी रास्कल, बच्चा साला, कैसे कैसे? सब्र सिकंदर, सब्र रख। उसकी किस्मत अच्छी थी भाई जो वो बच गया, लेकिन मैं अगली बार से। कभी कभी किस्मत मौत से पहले पहुंच जाती है, लेकिन इस बार मैं किस्मत को भी मौका नहीं दूंगा। मौत इस बार सीधे उसके हाथों में होगी। स्टॉप जी, वो सीएम साहब का फोन रह गया। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। ओह थैंक यू। Minister.
आपका भाषण बहुत अच्छा था सर। अच्छा अच्छा, बधाई हो सीएम साहब। बहुत बहुत बधाई हो सीएम साहब, सत्ता में बैठे हुए आपके 4 साल पूरे हुए। जिस कुशलता और ईमानदारी से आपने सत्ता का भार संभाला है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है साहब। धन्यवाद भजन सिंह जी, जब आप जैसा शुभचिंतक मेरे साथ हो तो मुझे किस बात की चिंता है। हाँ हाँ भजनलाल जी, गर्म है आपके लिए स्पेशल चिल शैंपेन। अच्छा यस सर। मुबारक हो सीएम साहब। धन्यवाद। नमस्ते। लो भाई। सीएम साहब, आपके काम और शोहरत को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये 5 साल तो सही, लेकिन अगले 5 साल तक आपको कोई कुर्सी से नहीं उतार सकता। अरे सर, आपने तो इस शहर का नक्शा ही बदल दिया। सीएम साहब, मुझे लगता है कि इस शहर से गुंडागर्दी का नामो निशान है। गुंडे शहर पर भाग रहे हैं। भजनलाल जी, ये तो आप लोगों की कोशिशों का नतीजा है। मुझे तो बस भगवान आपकी तमन्ना पूरी करे। सर, यस। अरे गोली चलाई किसी ने, ऊपर से किसी ने गोली चलाई। अरे जाओ देखो ऊपर, प्लीज जानो तरफ से घेराबंदी कर लो। यहाँ से कोई भी क्यों है? यह वाकई अफसोसनाक बात है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद हमारे प्रिय सीएम साहब पर कातिलाना हमला हुआ और हमारी पुलिस कातिल को ढूंढने में नाकाम है। यह तो आप लोगों की दुआएं और भगवान की कृपा है कि 3 गोलियां लगने के बावजूद हमारे सीएम साहब सही सलामत हैं। लेकिन मुझे कसम है खून के उन कतरों की जो सीएम साहब के जिस्म से बहे, मैं उस कातिल को ऐसी सजा दिलाऊंगा कि आने वाली नस्लें याद करके कांप उठेंगी। ये मेरा वादा रहा। जय हिंद। अन्ना, भजन सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भजन सिंह जी। मेरी ही दी सुपारी मेरे ही गले में अटक गई है। क्या मतलब? अन्ना सीएम बच गया है।
और पुलिस शिवा को पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। समझ गया ना क्या करना है? हाँ हाँ समझ गया भजन सिंह। क्या हुआ शिवा, ये खून कैसा? कुछ नहीं अन्ना, पुलिस की गोली छू कर निकल गई। लेकिन तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अपना गेम पलटी हो गया शिवा। तीन गोली लगने के बावजूद सीएम अभी तक जिंदा है और पुलिस तेरे को ढूंढ रही है। तू कुछ दिनों के लिए बंबई चले जा और ये पैसे ले, अगर और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अन्ना, आज पुलिस से भागते वक्त एक हादसा हो गया। एक मासूम जवान लड़का मेरे हाथों मारा गया। उसके घर वालों का पता लगाकर ये पैसे उन तक पहुंचा देना। तू फिक्र मत कर, पैसे पहुंच जाएंगे। और सुन, बॉम्बे शिवा नहीं, अजय जाएगा।